नमो व्याघ्राय नमः सभाये मंचस्थ विद्वद्गण। मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अध्यक्षीय अध्यक्ष का काम होता है कुल देखना, मगर प्रोफेसर धनंजय पांडे जी ने कहा कि आए हो टीए बिल पर दस्तखत किए तो कुछ ना कुछ तो बोल के जाओ। मैं भी संस्कृत में अनुशासन शब्दानुशासन मैं असंस्कृत वाला हूँ, तो शब्दानुशासन की बहुत बात होती है और शब्दानुशासन का मंचानुशासन के साथ भी है। मंच पर आपको अगर समय मिला है तो उतने ही समय बोलिए, उतने ही समय कार्यक्रम खत्म कीजिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, आपके पास चाहे ज्ञान का समुद्र हो मगर श्रोता का भी ख्याल रखिए, उनको बैठा के पका नहीं सकते। मैं भी अपनी बात टुकड़े में करूंगा। काश्याम मरणाम मुक्ति की बात हुई, अभी इन्होंने सवाल किया कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। अभी हमारे धनंजय पांडे जी ने कहा कि सत्यम वद, ठीक बात है, सत्यम वद, हम सत्य बोले। तो दूसरी बात इन्होंने भी कह दी, बाद में उन्होंने कुछ सुधार दिया मगर उसके संबंध को स्पष्ट नहीं किया, मतलब खोला नहीं। धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्मम वद नहीं कहा, धर्मम चर। हमारा आचरण धर्म धुरीन की तरह, ध्वजा की तरह दिखता रहे, उसके जो लाठी और डंडा है उसमें आपका आचरण हो। इन्होंने बाद में उसका विश्लेषण किया कि हम अध्यापक हैं तो पढ़ाएं और दुनिया भर माता पिता भाई बहन जिस रूप में हैं उस रूप में हम आए, मगर यहाँ धर्मम वध हो गया, गलती यहाँ हो गई। अभी धनंजय पांडे जी ने एक बात और कही कि ये वेद के बीच में विज्ञान आ गया या वेद ये डबल इंजन की सरकार है, कभी वेद और कभी विज्ञान। तो हम लोग कभी मंत्र जब सुनते हैं हरि ओम और अंत में भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्र अगर हमारा उच्चारण होता है तो ओम से होता है और ओम पर ही जाके समाप्त होता है। तो ये वेद के ही बीच में सब कुछ है, आप कुछ और चाहे जितना इसमें शास्त्र भी जोड़ दीजिए, विज्ञान नहीं, अब तो आजकल कॉमर्स का समय आ गया है ना, पैसे वाला, तो कॉमर्स हो समाज हो सारा कुछ हो, यह हमारा सब कुछ वेद में निहित है। एक देखिए दो पांडे के बीच में हम भी अपनी बात खत्म करते हैं, हनुमान मिश्र जी के साथ और ये अपने धनंजय कुमार पांडे जी के साथ। हनुमान मिश्र जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात कही कि जहाँ मैं देख लूँ कुछ लिखा है मैंने इनके बारे में कि विश्व कल्याण, तो विश्व कल्याण में अग्नि ओम अग्निमय पुरोहितम की बात कही, अग्नि सूत्र की बात की, चाहे पर्जन्य का हो चाहे कोई भी सूक्त हो, प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति की चेतना, प्रकृति का दान सबसे बड़ी विधि व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, समतावादी व्यवस्था है। सूर्य की रोशनी चाहे अरबपति खरबपति भी ले सकते हैं, गरीब भी ले सकता है, सूर्य अपने वितरण में कहीं असमान नहीं है, वर्षा भी। तो एक तो ये बात है कि विधि शास्त्र में ये हमारे जो वैदिक ये ऋचाएँ हैं वे हैं। अनुशासन के साथ भी हम कहते हैं जब हम घन पाठ करते हैं ओम त्रयंबकम त्रयंबकम, तो हमारा जो हस्त प्रक्षालन होता है, जो हमारा उच्चारण होता है, अगर संगीत की तरह बात, हमारे यहाँ संगीत और ये गंधर्व की तरह का था कि अगर लय ताल स्वर आपका टूटा नहीं कि मिलना आपका बंद हो जाएगा, तो ये है आपका वेद का। दूसरी बात है हनुमान मिश्र जी ने कहा कि विश्व के कल्याण का, पर्यावरण का, तो सबसे बड़ी बात है पर्यावरण, आज पर्यावरण की रक्षा। दूसरी पहली बात इन्होंने फिर कही कि काश्याम मरणा मुक्ति, तो काशी में मरने से मुक्ति मिलता है, तो इन्होंने कहा कि अयोध्या में मरेगा आदमी, कांची में मरेगा उसका, तो उस भाव में मरना है आपको, बाबा भोले की नगरी में रह के आपको
कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। वहाँ भैरव हैं, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, अघोर भी हैं, वे अस्थि मज्जा और रसमलाई को समान समझते हैं। आप सोचिए कि ये हमारे अवघड़ जो हैं, अघोरपंथी हैं, जो हमारे कीनाराम की गद्दी के लोग हैं, वे ये खा रहे हैं, वे क्या खा रहे हैं, वो किस अनुभूति में हैं। तो काशी में मरने वाले व्यक्ति को, जो काशी से प्रेम करता है, जो गंगा के तट पर रहता है, जो गंगा की सेवा करता है, उसको आप राजमहल का कोई राजप्रसाद किसी लंदन में दे दीजिए तो कहेगा कि काशी से बढ़िया लंदन नहीं है। तो काशी में जो मरेगा वह धर्म अर्थ काम को त्याग कर, मोक्ष जो हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है। और आप बम्बई में मरेंगे, लंदन में मरेंगे तो होगा कि अभी तो हम ये ऑडी में चढ़े नहीं हैं, फलाना तो किए नहीं है, ढिकाना तो किए नहीं है, तो वहाँ आपका बारंबार इस मरण चक्र में आपको आना जाना पड़ेगा। तो हनुमान मिश्र जी की बात मुझे समझ आई कि अगर आप पर्यावरण के साथ रहेंगे, वैदिक मंत्रों के साथ रहेंगे, तो फेयर एंड लवली लगा के आपको गोरा बनने की जरूरत। एक बहुत व्यावहारिक बात बताएं, मुझे युक्तामुखी का एक उदाहरण याद आता है। युक्तामुखी जब विश्व सुंदरी के रूप में चयनित हुई तो उनसे पूछा कि कैसे आप हुई, क्या क्या किया, तो कहा इसका ट्यूशन यहाँ लिया, यहाँ गए, मगर चेहरे पे कांति लाने के लिए, 20-25 साल पहले का इंटरव्यू था मुझे याद है, चेहरे पे कांति लाने के लिए मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, श्लोक का उच्चारण किया। तो चेहरे पे कांति आने से, जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ये है ना, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, आपका मन इसी काशी में, क्या काशी में, हम लोगों के यहाँ सबके यहाँ शुक्ले 12 मिनट हो जाएगा, बोल दीजिए 10 मिनट। इसी काशी में हम शुक्ल यजुर्वेद का हमेशा पाठ करते हैं, 2000 से लेकर 2500 तक एक पाठ कराने वाले हमारे यहाँ वेद पाठी भी लोग हैं और हम जजमान भी हैं। आप क्या समझते हैं, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय सब प्रकृति का है, चंद्रमा मन सो जाता, आपके मन को संकल्पित करने का, आप मन से जीत गए तो दुनिया आपके मुट्ठी में है, मन से हार गए तो आपके पास कुछ नहीं है। अगला आने वाला सबसे बड़ा महामारी डिप्रेशन का होगा, अवसाद का होगा, जब बेटा आपके साथ नहीं रहेगा, बीवी आपके साथ नहीं रहेगी, आप कहते रहिए वह शुक्ल जो ये दुर्गा सप्तशती का, जिसमें मेधा और ये मेधा ऋषि के पास सुरथ और समाधि जाते हैं कि भैया हमारी बीवी मार के भगा दी और हमारा राजा, ये ममानुगता नित्यम प्रसाद धन भोजन, ये मन की बीमारी है। तो इसी शुक्ल यजुर्वेद में हमको कहा जाता है कि प्रकृति की उपासना करो। पांचवें अध्याय में आते हैं तब भी प्रकृति की बात करते हैं, सातवें में जाते हैं तो ये अस्थि बेकार है, ये हड्डी बेकार है, हम तो सब तो अग्नि में समर्पित कर देते हैं, हमारा क्या है, क्यों हम किसी मेडिसिन वाले के यहाँ या किसी, हम मैं अभी आ रहा था तो मुझे लगा कि काशी में पान की दुकान कम हो गई, यहाँ सुपर हॉस्पिटल ज़्यादा हो गए, हर तीसरा मकान मुझे हॉस्पिटल दिखता है। अजर अमर बनने के लिए जाएंगे तो आप क्या होंगे, आप क्लिनिकल टॉर्चर होंगे, वो आपको 3 दिन पहले भेज, अच्छे खासे जाएंगे, 3 दिन पहले आपको डिस्चार्ज कर देंगे, 4th दिन आदमी चला जाता है। तो आप जब अपने अस्थि मज्जा और इन सब चीज़ों के संग अपरिग्रही हो जाएंगे भोलेनाथ की तरह, तो आप अपने मन से प्रसन्न रहेंगे। आठवां अध्याय, कंप्यूटर साइंस के लोग बैठे हैं, सब जीरो से और संख्या पर पूरा कंप्यूटर है, आठवां अध्याय नहीं है, एकादश पूरा वो लंबा सा है। तो यह बताइए मुझको, मित्र से चक्षुषाम समीक्षा में है, कौन नहीं अपनी समीक्षा चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि हमको देखे और हमको सराहे, हमारी समीक्षा करे। तो अब लंबा 10 मिनट हो गया, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं विधि शास्त्र पर भी कुछ कहूँगा, इनके ये उद्गाता ये जो ये तो ब्रह्मसूत्र गीता और ये वेदांत के, ठीक है, उपनिषद, सब चीज़ आप पढ़ लेंगे, वेदांती बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिएगा, आप कभी असंतुष्ट नहीं रहेंगे। मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी और डॉक्टर सुनील वर्मा जी की बात को इस बात कहता हूँ
कि हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को मार्केट से बचाने के लिए, इस अवसाद से बचाने का सबसे बड़ा उपाय ये वैदिक मंत्र है, ये वैदिक, ये विज्ञान केंद्र है जो आगे आने वाले त्रासदी से बचा सकता है। तो केवल हमारा वैदिक धर्म, वैदिक मंत्र और इस तरह के केंद्र। मैं बोलने के लिए, मुझे काशी में आने के लिए उपेंद्र त्रिपाठी जी ने जो अवसर दिया, उनके प्रति, इस विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।